नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम होने से अब इन पर ताले लगाने की नौबत आ गई है। विभाग की ओर से अब ऐसे राजकीय प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जिनमें 10 या इससे कम छात्र है। दरअसल इन स्कूलों को नजदीकी राजकीय स्कूलों में मर्ज करने की योजना तैयार कर ली गई है। दरअसल प्राइमरी स्कूलों के 385 और मिडिल स्कूलों के 76 अध्यापकों को भी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। 14 प्राइमरी और 22 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। ऐसे में 228 प्राइमरी और 43 मिडिल स्कूल ऐसे हैं जिसमें छात्र की संख्या 10 या इससे कम है। सूत्रों के अनुसार अगला सत्र शुरू होने से पहले इन स्कूलों को आसपास के राजकीय स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग को सर्वे कर कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। पानीपत के 2 स्कूल सूची में शामिल हैं, जहां महज 17 विद्यार्थी हैं और इनमें खंड मतलौदा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक स्कूल बेगमपुर के स्कूल में 8 विद्यार्थियों का इनरोलमेंट हुआ है, जबकि खंड इसराना के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा स्कूल में मात्र 9 विद्यार्थी हैं। इन दोनों प्राथमिक स्कूलों में 2-2 अध्यापक कार्यरत हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि प्रदेश के किन जिलों के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और उनमें कौन कौन जिले शामिल है। सबसे पहले आपको बता दें कि हिसार, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल 6 है और मिडिल 4 स्कूल शामिल है। जज्जर, जहाँ पर प्राइमरी स्कूल 2 है और मिडिल स्कूल भी 2 है। इसी के साथ आपको बताते चले कि जींद, जहाँ पर प्राइमरी 4 है और मिडिल 1 स्कूल शामिल है। तो वही इसी के साथ आपको और आगे बताते चले कि अंबाला, जहाँ पर प्राइमरी 7 है और मिडिल 1 स्कूल शामिल है। भिवानी में 23 और 3 मिडिल स्कूल है। चरखी दादरी, जहां पर 17 प्राइमरी और 2 मिडिल स्कूल शामिल है। फरीदाबाद में 1 प्राइमरी और वहां पर 1 भी मिडिल स्कूल शामिल नहीं है। फतेहाबाद में 9 प्राइमरी और 1 भी मिडिल स्कूल यहां पर भी शामिल नहीं है। इसी के साथ आपको बताते चले कि महेंद्रगढ़, जहां पर 27 प्राइमरी और 4 मिडिल स्कूल शामिल है। नू मेवात में भी 6 प्राइमरी और 11 मिडिल स्कूल शामिल है। इसी के साथ हम कुछ और जिले बचे हुए हैं जिनका नाम भी हम आपको अवगत करा देते हैं। पलवल, जहां पर 2 प्राइमरी और 1 भी मिडिल स्कूल शामिल नहीं है। दरअसल पंचकुला में 10 प्राइमरी और 2 मिडिल स्कूल शामिल है। पानीपत में 2 और 1 भी मिडिल स्कूल शामिल नहीं है। रेवाड़ी में 15 और 1 मिडिल स्कूल। रोहतक में 1 प्राइमरी और 1 मिडिल स्कूल शामिल है। सिरसा में 12 और 1 मिडिल स्कूल शामिल है। उसी के साथ आपको बता रहे हैं कि सोनीपत और यमुनानगर में, यानी कि सोनीपत में 6 प्राइमरी और 3 मिडिल स्कूल शामिल हैं और यमुनानगर में 23 प्राइमरी और 7 मिडिल स्कूल शामिल है। दरअसल ये वो शहर हैं जिनके प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।